गुड मॉर्निंग, आई एम आशीष सक्सेना एंड वेलकम टू टेट क्लासेस। ओके, तो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और कमेंट्स भी देते रहिए, और मैं एवरीडे कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपडेट करता रहूँगा। ये वीडियो आपकी रहेगी ओनली 5 मिनट, हर दिन 5 मिनट या 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं ये हैं विलियम जेम्स, ये ध्यान रखिए, विलियम जेम्स। तो इनका नाम आप ध्यान रखिए, मनोविज्ञान के जनक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना? कि भाई मनोविज्ञान एक व्यवहार, बिहेवियर का एक निश्चित विज्ञान है। तो भाई यहाँ पे जो वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, वो आए वाटसन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? क्या बोलता मनोविज्ञान? तो मनोविज्ञान जो अध्ययन है ये बोलता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर फोर, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? भाई तो मस्तिष्क का विज्ञान बनाया जो माना है ये है पॉम्पोलॉजी। ओके, कौन है? पॉम्पोलॉजी। ओके, जा है यहाँ पर पॉम्पोलॉजी। इसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? तो चेतना का विज्ञान में आता बुंट एंड जेम्स, और भी वैज्ञानिक है बट यहाँ पे जो मेन है बुंट और जेम्स, इन्होंने माना मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसके बाद प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है भाई बुंट साहब, ध्यान रखिए, ठीक है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है बुंट। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषणवाद, तो ये काफी नाम प्रसिद्ध है, फ्रायड, पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड को बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक। मानसिक परीक्षण विधि किसने विकसित की? तो यहां पे नाम है बिने। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो सीधे आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके ये देखते हैं कि आपको की थिंकिंग क्या है। सपोज ये क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का मानना है कि, आर्यभट्ट का क्या मानना है? आर्यभट्ट का समाज में योगदान, बालक ये जान रहा है कि यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, मतलब आर्यभट्ट का बोल सकते हैं, आर्यभट्ट ने समाज में जो योगदान दिया तो इसे बालक क्या सोच रहा है? तो बालक उसके प्रति क्या कुछ अभिरुचि कर रहा है? तो यहाँ पे मेन आंसर क्या है? अभिरुचि। अब यहाँ पे आता है एस आर, भाई एस मतलब स्टिमुलस, आर मीन्स रिस्पॉन्स। तो ऐसा कॉन्सेप्ट ए किसने दिया? तो ऐसा कॉन्सेप्ट ए दिया आप यहाँ पे थर्नडाइक, और इसी को बोलते हैं हम ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, एंड जो सीखने के नियम है ये थर्नडाइक ने दिए। थर्नडाइक ने सीखने में क्या, पहले क्या आते जो मुख्य नियम, और बाद में क्या आते एसेसरी नियम। मुख्य नियम क्या, 3 नियम है, और जो एसेसरी नियम है ये 5 नियम है। तो इस टाइप से थर्नडाइक के टोटल 8 नियम होते हैं। ये पूछा थर्नडाइक के सीखने के टोटल नियम कितने? 8। मुख्य नियम कितने हैं? 3। गौर नियम कितने हैं? 5। तो इस टाइप से यहाँ पे थर्नडाइक साहब आ जाएंगे। तो इन टॉपिक को आप लोग कायदे से स्टडी कीजिए, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे हम आगे और टॉपिक भी अपडेट कर सकें। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ध्यान रखना, जो बोला मैंने मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, एस आर थर्नडाइक, थर्नडाइक कहाँ के निवासी? अमेरिका के,
और थार्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था ये था बिल्ली के ऊपर। ओके, थैंक यू।